अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ हाईलैंड पार्क, जो कि यहाँ पे इस साइड पे है, आएगी ऊपर वाली साइड पे, ओल्ड सिटी नीचे है। तो यहाँ से उधर जा रहा हूँ मैं, तो उसके पास उधर बहुत अच्छा व्यू है फ्लेम टावर का ना, तो पीछे का व्यू चेक कर रहे हो आप कितना प्यारा है। तो बाकी इंशाल्लाह अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ, पीछे कॉफ़ी शॉप है, जाके पूछते हैं उनके पास क्या क्या है। अभी नाश्ता किया है, परसों रात को मैं सोया नहीं था सारी रात, फ्लाइट थी सुबह 7 बजे, तो अब कल रात को कल सोया हूँ, तो मैं सुबह उठाऊँ 10 बजे, गर्म पानी से शावर किया, कपड़े पहने, एक शर्ट पहनी है भाई, दूसरी शर्ट नहीं है, फिर जैकेट पहनी है, नीचे पैंट पहनी है, पैंट के नीचे एक और शॉर्ट पहना है, सर्दी है बहुत। यार उस कॉफ़ी शॉप से कुछ मिला नहीं, सैंडविच वगैरह उसके पास थे नहीं, सिर्फ कॉफ़ी थी और पेस्ट्री वगैरह थी, चॉकलेट वगैरह से। मैंने कहा सुबह सुबह वो तो खानी नहीं भाई मैंने, तो अब आगे जाके देखते हैं यार, कुछ मिल जाए तो बेहतर है। तो मेरा अपार्टमेंट उस साइड पे है, ये वेदर देखिए कितना कमाल का वेदर हुआ हुआ है। ये सामने फ्लेम टावर, उसी साइड पे जा रहे हैं हाईलैंड पार्क, उस साइड से फ्लेम टावर का आखिरी लेवल का व्यू आएगा, चेक करो। ये देखो ये भी पार्क है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी पार्क है। वेदर आज भी कोल्ड है, कपड़े काफ़ी पहने हो भाई, जैकेट पहन ली, एक टी शर्ट, फिर एक शर्ट, ओह गॉड। तो बस यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है, बट अभी जाएंगे वो पीछे हाईलैंड पार्क, वो स्टेट साइड के ऊपर, और यहाँ मैं काफ़ी नीचे से ऊपर आ गया, देख सकते हैं आप। अभी चलते हैं ऊपर हाईलैंड पार्क, ब्रेकफास्ट अभी भी नहीं किया यार, कुछ मिल जाए तो बेहतर है, इस साइड पे कुछ भी मिल जाए। और चलो यार कुछ अच्छा हो जाए, कॉफ़ी कोई सैंडविच वगैरह तो खा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। वो पीछे मेरे ख्याल से मोस्ट क्या हुआ ना, तो बाकी ऊपर जाके देखते हैं इंशाल्लाह क्या क्या और डिस्क्राइब कर सकेंगे आज हम। मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर जाना होगा, ये कुछ कॉफ़ी वगैरह खाने पीने का, ये बाबा जी डाल रहे हैं कबूतरों को दाना छाना, ये फ्लेम टावर ऊपर से भी अच्छा आएगा। चलते हैं अभी यार, देखते हैं। और ये इनकी प्राइसेस लगी हुई हैं, देख रहे हो क्या, बिचिन 450 और 550 की पड़ी है, 550 की ले रहा हूँ भाई, भाई साहब हैं जो बना रहे हैं इधर कॉफ़ी शॉप। खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, मैंने कहा चलो यार कॉफ़ी तो लें, एटलीस्ट कॉफ़ी होनी चाहिए। वाह तो कॉफ़ी ले ली है, अब जा रहे हैं इधर से ऊपर सीधा। ओ भाई बड़ी मुश्किल से हो, देखो ऊपर चेक करो, शूटिंग हो रही भाई, फोटो शूटिंग चल रही है, चेक करो व्यू आप जैसे, क्या बात है, क्या एक्सपीरियंसी, फ्लेम टावर, वाह मोस्क। मुझे चाहिए था यहाँ आगे फोटो शूट करवाना इधर, बट मैंने वो नीचे करवा लिया। ओ माई गुडनेस, एनीवे मेरे ख्याल से पार्क काफ़ी बड़ी है, इधर से ऐसे राउंड ओवर है, उस साइड पर जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। वहाँ से जैकेट पहनी थी, जैकेट उतार दी, अभी कॉफ़ी पकड़ी हुई थी हाथ में, कॉफ़ी ले रहा हूँ रेस्टोरेंट पास, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने हाईलैंड पार्क आना है तो खा पी के आएँ भाई, इधर आप कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कॉफ़ी के। हाईलैंड पार्क आ चुका हूँ, ये पीछे फ्लेम टावर देख रहे हैं आप, और फ्लेम टावर के बाद ये पीछे आपको इस जगह पे पूरी सिटी का व्यू नज़र आएगा, 360 डिग्री व्यू नज़र आएगा। वो पीछे बाकू आई है, लंडन आई के लिए, दुबई आई के लिए, वट एवर यू कॉल, एक ने बनाया, सब ने कॉपी कर ली। और पीछे ये डेनिस मॉल है ये नीचे, और वो सामने फ्लैग है, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पर, कमाल का व्यू है, चेक करें आप। बाकी अभी चलते हैं इस साइड पे, पीछे घूमते हैं। तो गाइस अभी इधर से वॉक करते करते इधर से चलते हैं हम इस साइड पे, और यहाँ पर भी डिस्क्राइब करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उस साइड पे चलेंगे उधर जहाँ पे अच्छा व्यू है। मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि वहाँ से किस जगह से अच्छा व्यू आपको आएगा, और जहाँ आकर आप इजीली पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। अच्छा कल जब मैं आ रहा था, मुझे हाईलैंड पार्क का पता नहीं था, तो कल रात को मैंने बैठ के रिसर्च किया और मुझे मिला यार जहाँ से सुपर व्यू आपको भी मिलेगा इस हाईलैंड पार्क का। बट एनी वे चलते हैं उधर ही, उस जगह पर जाके व्यू को एंजॉय करते हैं। यार यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, दुबई में रहा हूँ मैं, साइप्रस में भी रहा हूँ मैं, ठीक है काफ़ी कंट्रीज़ में रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर आकर एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदे ने भी जो स्मेल लगाई हुई है ना परफ्यूम की, वो डैम ब्रो मैं बता नहीं सकता कि कैसी कैसी खुशबू। एक छोटे से छोटा बंदा, ये मेरे ख्याल से कब्रस्तान है छोटा सा इनका ना, एक लड़का हो चाहे लड़की कोई भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने मैंने लड़के या लड़कियाँ देखी हैं तकरीबन उनकी सेम एज सेम ही है, 20-25 के दरमियान बहुत लोग आपको मिलेंगे 20-25 के दरमियान, लड़कियाँ लड़के बहुत रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश, और सबके पास ऐसी परफ्यूम की खुशबू आती है, ऐसी परफ्यूम की। ये इनके लोग जो मेरे ख्याल से शहीद हो गए थे, जंग जो हुई थी, वॉर वगैरह हुई थी, सो ओरिजिनल के टाइम, ये सारे मेरे ख्याल से वो लोग हैं। बट अभी चलते हैं ऊपर,
देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई। ओहो हो वाह रे वाह, चलते हैं चेक करो। फायर लगी हुई इधर तो भाई। तो गाइस यहाँ कैस्पियन सी के साथ व्यू के साथ फ्लेम डॉग की व्यू के साथ एक और चीज़ डिस्क्राइब हुई है। ये देखिए यहाँ पे फायर लगी हुई है, मेरे ख्याल से खुद लगाई है या गैस वगैरह नेचुरल निकल रही है आई थिंक, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। ठीक है बालटनी में फिर भी अभी मज़ीद चलते हैं ऊपर, यहाँ देखते हैं देख रहे हैं क्या कमाल की जगह है। वरा प्लेस प्रो वरा वाइप बैन, वो भी आग लगाई हुई है इन्होंने, देखो वो मेरे ख्याल से देखो, ये देख रहे हैं आप। तो गाइस यहाँ पर भी है, ऊपर भी हमने देखा, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप सबकी खबरें। ठीक है तो मेरे ख्याल से सोवियत यूनियन के टाइम जो जंग वगैरह हुई थी उस दौरान ये सब लोग मेरे ख्याल से शहीद हुए थे। बट अभी चलते हैं, बहुत बड़ी पार्क का काम है, घूमता फिरूंगा यार इधर इस साइड पे देखते हैं। इधर भी वही है फ्लेम टावर का व्यू, वहाँ से अच्छा आएगा। तो अभी चलते हैं, बहुत बड़ी पार्क है, नीचे चलते हैं यार और देखते हैं। तो गाइस मैं अभी नीचे आ गया हूँ हॉलैंड पार्क में, ऊपर गया था वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी मैंने, जो शहीद वगैरह हैं उनकी भी कब्रें हैं और व्यू भी आपको ऊपर से अच्छा मिलेगा। तो अभी चलते हैं इस साइड पर नीचे। तो अब हॉलैंड पार्क काफ़ी बड़ी है यार। अच्छा यहाँ पर जितने भी मैंने देखे ना जो टूरिस्ट एशियन अपने इधर पीछे भी और उधर पीछे भी ग्रुप है, और मेरे जहाज़ में 15 बंदे थे जो दुबई से मेरे साथ आ रहे थे, सारे के सारे इंडियन। मेरे ख्याल से मैं ही अकेला पाकिस्तानी होऊंगा प्लेन में भी, और इधर जितने भी हाईलैंड पार्क में टूरिस्ट आए हुए हैं तकरीबन 99% मैंने इंडियन देखे हैं। यहाँ 3 बंदे थे जो कि जिनकी एज ज़्यादा थी मेरे ख्याल से 50+ थे, वो शायद लग रहे थे। एक बंदा था जिसकी हाँ वो है पीछे, वो 3 बंदे जा रहे हैं पीछे, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान से आए हैं, तो लग भी रहे हैं कि वो बिजनेसमैन है। ठीक है मतलब कोई यंग बंदा मेरी तरह जिसका मतलब जिसकी एज कम है, वो कम ही मैंने देखा हो, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग आते हैं भी इधर। ठीक है अपनी कंट्री से घूमने फिरने का शौक है यार, पैसे नहीं है बेचारों के पास, भूख पड़ी हुई है पाकिस्तान में, तो ये तो सूरत हाल है भाई। देख रहे हैं ये सारे इंडियंस हैं, वो भी सारे इंडियंस हैं। यहाँ पर एक व्यू मैं फिर आपको दिखाता चलूँ, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। वो कारपेट म्यूज़ियम जो है इनका, ये वाला ये कारपेट देख रहे हैं, कारपेट म्यूज़ियम है सारा। और ये है कैस्पियन सी सर, वो बाकवा ही है। अभी थोड़ी सी ठंड मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखें क्या कमाल का व्यू है, पूरा यार यूरोप भी लग रहा है। अब आप लोग ही बताएं कि यूरोप है कि एशिया में आता है। वैसे तो यूरोपियन बॉर्डर और एशिया के बॉर्डर के दरमियान ही आती है 3 कंट्रीज, जॉर्जिया आर्मेनिया और अजरबैजान, तीनों एक साथ ही आती हैं। अगर आपको 7-8 चाहिए दुबई की, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा थोड़े पैसे सेव करके अजरबैजान आएँ, यहाँ से टिकट करा के आर्मेनिया जाएँ, आर्मेनिया से जॉर्जिया जाएँ, जॉर्जिया से बाय कार बाय बस आर्मेनिया जाएँ, ताकि तीनों कंट्रियाँ आपकी एक ही साथ हो। बार बार आपको आना पड़े इन जगहों पर, पैसे आपको कम लगेंगे। चलो नीचे चलते हैं फिर इंशाल्लाह, इस पार्क को कहते हैं अलविदा, तो हम नीचे चलते हैं। तो चलें जी गाइस, ये था हमारा ट्रिप हाईलैंड पार्क का, जो कि कम्प्लीट हो गया हुआ है। अब हम जाएंगे एक और जगह पे, हैदर अली सेंटर है, जो कि बहुत ही खीर है, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, अंदर से फुल लैविश है और उसके ऊपर काफ़ी हिस्ट्री है, हिस्ट्री की चीज़ें रखी हुई अंदर। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।